दोस्तों, क्या आप भी स्नैपचैट से खींचे हुए फोटो को गैलरी में सेव करना चाहते हैं, लेकिन जब आप स्नैपचैट में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फोटो गैलरी में सेव नहीं होता है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। छोटा सा प्रॉब्लम है, एक दो सेटिंग करने के बाद ये आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद ऊपर के कोने में प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद ऊपर के कोने में सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेमोरीज का, तो आपको मेमोरीज का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव बटन का, तो आपको सेव बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे मेमोरीज सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है मेमोरीज एंड कैमरा रोल का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो जब आप स्नैपचैट से खींचेंगे फोटो तो डायरेक्ट गैलरी में सेव होगा। तो आपको भी इसी तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।